एवरीवन गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राधिका आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। गाइस, आज से शुरू हो रहा है सावन, और सावन का है आज पहला सोमवार। तो मैंने रात में डिसाइड किया था कि रात सुबह मॉर्निंग में ना जल्दी उठूंगी, तो यहाँ पर उठने में आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो मैंने सोचा था कि उठ जाऊंगी, बच्चों के स्कूल जाने से पहले मंदिर वगैरह होकर आ जाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं अभी उठ चुकी हूँ, अभी मतलब 6:10 है। तो चलिए गाइस, फटाफट से बेड को छोड़ते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो सभी बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मुझे उठने के बाद ना बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, क्योंकि रात में मैंने इतना सोचा था कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठूंगी, बट नहीं उठ पाई। तो यहाँ पर उठने के बाद मैंने अपने हाथों को रफ किया और अपनी आंखों पर लगाया, क्योंकि मुझे हल्की हल्की सी नींद भी आ रही थी, क्योंकि रात में मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ ना, सो मुझे काफ़ी लेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथों को थोड़ा रफ करके आंखों पर लगाया ना, तो नींद बिल्कुल छूमंतर हो गई। तो इधर मैं बाहर की साइड आ गई हूँ, बाबा जी बिहार जी को प्रणाम किया एंड उसके बाद बाहर का मौसम देखा तो दिन काफ़ी निकल आया था। ब्रश वगैरह किया एंड उसके बाद फेस वॉश किया। अभी मैं आ गई हूँ, मतलब जाऊँगी किचन में और देखती हूँ क्या बनाना है बच्चों के लंच के लिए। आ गई हूँ गई इस किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने, बच्चे दोनों ही उठ चुके थे, मैंने बच्चों से पूछा क्या ले जाओगे, आलू के पराठे या फिर सैंडविच, तो बच्चों ने बोला दोनों ही। मतलब बच्चों की डिमांड थी कि दोनों ही चीज़ हम लोगों को खानी है। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पटेटो को लिया, 3 पटेटो को लिया, उनको छील लिया अच्छे से, और सबसे पहले मैं इनको रखूंगी बॉइल होने के लिए अच्छे से वॉश वगैरह करके। आज थोड़ा जल्दी है गई, मतलब ये किचन के काम से फ्री होकर मुझे मंदिर जाना, तो आज मैं आलू ना कुछ अलग तरीके से बॉइल करूंगी। यहाँ पर मैंने पहले इनका छिलका निकाल लिया है, निकालने के बाद मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करूंगी अच्छे से वॉश करके, और रख दूंगी बॉईल होने के लिए। इस तरीके से ना हमारे जो आलू होते हैं ना बहुत जल्दी से मतलब फटाफट से उबल जाते हैं, और बाद में ऐसा नहीं कि हाँ ठंडे हों, उसका छिलका निकालो, ये सब झंझट से बहुत दूर हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से वॉश कर लिए, अब इनको रख दूंगी बॉईल होने के लिए। थोड़ा सा ही पानी डालूंगी और फटाफट से बॉईल हो जाएंगे। गाइस यहाँ पर मैंने पटेटो को रख दिया है बॉईल होने के लिए, और जब तक ये बॉईल होता है तब तक मैं घर के थोड़े से काम कर लेती हूँ। और ये सब काम करने के लिए वैसे तो मेरी हेल्पर आती है, बट जो सुबह कहते हैं ना कि सुबह बासी घर होता है, उसको मतलब झाड़ू जरूर लगानी चाहिए घर की लक्ष्मी को, गृहिणी को। तो सुबह उठते ही पहले आप लोगों ने देखा होगा गाँव वगैरह में लेडीजें सबसे पहले उठकर झाड़ू ही लगाती है, और यहाँ पर मैं भी मतलब झाड़ू लगाती हूँ। जो मेरी हेल्पर वो तो बाद में आती है, लेकिन किचन के काम से फ्री होकर मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। पहले पता है सुबह उठने के बाद जो हमारा मेन गेट होता है, मेन डोर होता है, उस पर हमेशा पानी डालना चाहिए। मतलब मेरे मायके में तो हमेशा ऐसी, मतलब मम्मी सबसे पहले उठती हैं, तो सबसे पहले वो यही करती हैं कि मेन जो मेन डोर होता है उस पर पानी डालती है। बट मैं कभी कभी करती हूँ गाइस, मैं पूरा फॉलो नहीं कर पाती क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, लेकिन झाड़ू मैं हमेशा लगाती हूँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर झाड़ू फिनिश कर लेते हैं। देखिए ये सब काम करने से ना हमारे घर में बरकत होती है, लक्ष्मी का वास होता है, और बस घर में सुख शांति रहती है। तक यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई, तब तक यहाँ पर देखिए पटेटो भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इनको रख दूंगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, छीलने का झंझट ही नहीं है इनको तो, और बहुत जल्दी बॉईल हो गए थे, तो बस यहाँ पर थोड़ा ठंडा होने के लिए रखूंगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत देर में ही ठंडे होंगे, तो यहाँ पर मुझे फैन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जब तक ये ठंडे होते तब तक मैंने आटा निकाल लिया, इसमें डाली थोड़ी सी अजवाइन, नमक और आटा वगैरह भी गूंथ लूंगी। उसके बाद जो पटेटा है उसकी स्टफिंग रेडी करूंगी, और गर्म गर्म सैंडविच और पराठे बनाऊंगी बच्चों के लिए। मैंने पटेटो को अच्छे से मैश कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर अनियन और गार्लिक बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि जब मेरा व्रत होता है मैं ये सब चीजें अवॉइड करती हूँ, और वैसे भी आज से सावन शुरू हो रहा है गाइस, और अपने फास्ट वगैरह के दिन तो मैं बिल्कुल भी प्याज का और लहसुन का यूज नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली, थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाएगा, एंड उसके बाद ग्रीन चिली ली, 2 से 3 ग्रीन चिली। बच्चों के लिए बनाना है थोड़ा कम ही स्पाइसी रखना है, और यहाँ पर जीरा डाला, सारे बेसिक मसाले वगैरह डाले। तो चलिए फटाफट से इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं और बनाते हैं बच्चों के लिए गर्मा गर्म पराठे। गाइस बनाते हैं गर्मा गर्म सैंडविच। वैसे मेरे बच्चे ये वाली सैंडविच ज्यादा पसंद नहीं करते, बच्चे मेरे जो हम वेजेस कट करके बनाते हैं ना, कुकुम्बर अनियन टमाटो वगैरह और साथ में मेयोनीज वगैरह मिक्स करके वो वाली सैंडविच बनाती हूँ ना, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, वही बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं इसको, मतलब ज्यादा पसंद नहीं करते, तभी इन बच्चों ने बोला था कि हम लोगों को तो आलू के पराठे बना देना। तो यहाँ पर मैं दोनों ही चीज बना रही हूँ बच्चों को, अभी जो ब्रेकफास्ट में दूंगी दूध के साथ सैंडविच दे दूंगी, अगर खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो मतलब
ठीक, दूध तो पी ही जाएंगे। तो यहाँ पर बस सैंडविच बनाने के बाद गर्म गर्म आलू के पराठे बनाऊंगी। और आलू के पराठे बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, चाहे तो बटर से दे दो चाहे तो सॉस से दे दो, और बहुत अच्छे से खा लेते हैं। बट आज मैं सॉस से देने वाली हूँ उनको आलू के पराठे, क्योंकि ये बटर लेकर जाएंगे ना तो बटर इतनी गर्मी में मेल्ट हो जाएगा। तो फटाफट से यहाँ पर गर्म गर्म आलू के पराठे बनाती हूँ और बच्चों का लंच पैक करती हूँ। उसके बाद फ्री होकर नहा वहाकर जाऊँगी मंदिर। गई आप ब्लॉग पूरा देखना, स्किप मत करना। गाइस दोनों ही बच्चे स्कूल जा चुके थे और मैं किचन के काम से फ्री हो गई थी। पतिदेव मेरे बच्चों को छोड़ने गए हुए थे। अभी मैं आई हूँ बच्चों के रूम में। यहाँ पर मेरी अलमीरा है जिसमें मेरे कपड़े रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे लेना था ग्रीन कलर का सूट, तो क्योंकि कहते हैं सावन के महीने में मतलब ग्रीन कलर बहुत शुभ होता है और ग्रीन ही पहनना चाहिए। सो यहाँ पर पहला सोमवार है, आज मेरा व्रत भी है, तो यहाँ पर मैंने ये सूट पहनकर नहावाकर रेडी हो गई हूँ। और जैसे ही मैं नहावाकर रेडी हुई, मैंने पति मतलब रेडी अभी तो नहीं हुई, नहाकर ही जैसे मैं नहाकर आई, मैंने अपने हस्बैंड जी से बोला कि जब तक मैं मतलब रेडी वगैरह होंगी, पूजा की तैयारी करूंगी, आप भी नहाकर आ जाओ, दोनों ही जने आप मंदिर जाएंगे। अच्छा लगता है गाइस जब दोनों जने मंदिर जाते हैं, पूजा करके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। यहाँ पर मैंने बड़ी सी बिंदी लगाई ग्रीन कलर की। वैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपके फेस पर बड़ी बिंदी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आज फिर भी मैंने लगा ली है। तो चलिए यहाँ मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। रेडी होने के बाद सिंदूर लगाती हूँ, और मैं हमेशा सूखा सिंदूर लगाती हूँ गाइस। और जब मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, तो मैं भर भर के सूखा सिंदूर लगाती हूँ। और आजकल पता इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आता गाइस, ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम मुझे या फिर हर किसी को है। और अब इस मौसम में तो इतनी ज्यादा हो रही है, जैसे ही हेयर वॉश करके आओ ना, चारों ओर आपको बाल ही बाल दिखेंगे, चाहे तो बिस्तर पे ले लो। तो जिस वजह से ना मैं अपने बाल को हमेशा फोल्ड करके तब रखती हूँ ऊपर से, मतलब बाल खोलने का दिल ही नहीं होता। तो चलिए यहाँ मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ। और रेडी होने के बाद अब बस अब करती हूँ पूजा की तैयारी, और उसके बाद दोनों ही जने हम लोग मंदिर जाएंगे। गाइस यहाँ पर मेरे डेली का काम है, जब मैं मतलब बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद डस्टिंग वगैरह करती हूँ ना, तब मैं जो पूजा के बर्तन होते हैं हमेशा साफ करके रख देती हूँ। बट आज मैंने नहीं किया, क्योंकि आज मुझे मंदिर जल्दी जाना था, तो मैंने सोचा नहावाकर जब मैं मंदिर की सफाई करूंगी तभी मैं ये सब काम करूंगी। तो चलिए यहाँ पर पूजा के बर्तन साफ करती हूँ और मंदिर की थोड़ी साफ सफाई करती हूँ, और उसके बाद पूजा की थाली भी मुझे रेडी करनी है। तो जब तक मेरे पतिदेव यहाँ पर नहावाकर रेडी होंगे, तब तक मैं सब काम करके बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। देखिए गाइस यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह सब हो गई थी। और ये देखिए, यह श्रृंगार का सामान गोरा माता के लिए, ये मैंने कल ही लाकर रख लिया था, मार्केट से लेकर आ गई थी मैं। यहाँ पर सिंदूर, नेल पेंट, बिंदी, लिपस्टिक और चूड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें मैंने रख ली है। तो सब चीज़ें माता रानी को अर्पित करने के बाद माता रानी का श्रृंगार करूँगी गोरा माता का। पूजा की थाली मैंने ले ली है, सुहाग का चौड़ा मैंने यहीं पे चढ़ा दिया माता रानी को। और अब मैं और मेरे पतिदेव दोनों ही जा रहे हैं मंदिर। पूजा मैंने घर में कर दी है, सुहाग का सामान भी चढ़ा दिया। तो चलिए अब मंदिर चलते हैं। मंदिर में फ़ोन लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ होगा मंदिर में, और मेरी वीडियो शूट करने के लिए कोई भी नहीं है। और यहाँ पर सारा सामान मैंने ले लिया है, ये देखिए पूजा की थाली बिल्कुल तैयार, पतिदेव भी तैयार, मैं भी रेडी हूँ। तो चलो चलते हैं, अब मैं मंदिर से आने के बाद आप लोगों से मिलूँगी। गाइस आ चुके हैं हम लोग मंदिर से, और मंदिर में भीड़ भी काफ़ी थी। और अब मैं पीती हूँ पहले एक गिलास पानी, क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और आज मेरा व्रत भी है।
अब बनाती हूँ फटाफट से चाय। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है गाइस, बिल्कुल उमस हो रखी है। चाय पीते हैं क्योंकि आज सुबह मॉर्निंग वाली चाय पी ली हम लोगों ने। अभी 8:30 बजे हैं, 8:30 बजे हम मंदिर वगैरह जाकर बिल्कुल फ्री हो गए घर के काम से। बस अब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, आलू के पराठे इनके लिए, जब खाएंगे तभी बनाऊंगी। देखिए गाइस, हम लोगों ने मॉर्निंग की ले ली थी आधा कप चाय, और उसके बाद हस्बैंड जी बोले कि मुझे ब्रेकफास्ट लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। तो यहाँ पर मैंने मिक्स दाल बनाई थी आज, साथ में गर्म गर्म आलू के पराठे बनाए, इनके लिए चाय भी थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पराठे क्या मस्त बन रहे हैं, फूले फूले क्रंची क्रंची। और आलू के पराठे ना मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ गाइस। तो यहाँ पर बस पराठे बनाने के बाद इनको ब्रेकफास्ट करा के फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अभी घर में डस्टिंग वगैरह भी नहीं हो पाई थी। तो बस पहले मैं सोच ही रही थी कि मंदिर के काम से मैं फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद ही सब काम करूंगी। तो यहाँ पर बस इनको ब्रेकफास्ट कराने के बाद थोड़ी किचन की साफ सफाई करूंगी, क्योंकि पराठे वगैरह हम लोग लगाते हैं ना, और आज सुबह मॉर्निंग में तो इतनी ज्यादा किचन फैल गई थी, आपको पता है बच्चों ने सैंडविच भी साथ में पराठे भी, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा किचन फैल गई थी। उसके बाद मैंने साफ सफाई की नहीं थी किचन की, क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा मंदिर में जाना था, क्योंकि जितना ज्यादा लेट करती मैं मंदिर जाने के लिए उतनी ही भीड़ लग जाती है मंदिर में, फिर मुझे लाइन में लगना पड़ता, तो जिस वजह से पहले मैंने मंदिर का ही काम निपटाया। सो यहाँ पर मैंने एक स्कॉच में विम बार लिया और पूरी किचन को अच्छे से रगड़ दिया, गैस वगैरह को, टाइल्स वगैरह को। जब पराठे वगैरह लगाते हैं ना, तेल की छींटे चारों ओर लग जाती हैं। इधर मैं किचन की साफ सफाई कर ही रही थी तभी देखा तो मेरी हेल्पर आ गई हैं, और यहाँ पर फटाफट से किचन की साफ सफाई करने के बाद मुझे डस्टिंग भी करनी है, क्योंकि उनका काम सिर्फ झाड़ू और पोछे का है, और साथ में जो डस्टिंग वगैरह करना, मतलब सारा सामान इधर उधर जो फैल जाता है, बच्चे पूरे मतलब ऐसा फैला देते हैं, तो वो समेटने में मुझे काफी देर लग जाती है। तो यहाँ पर किचन बिल्कुल अच्छे साफ हो गई है, डस्टिंग कर फाइनली गई, सारे ही घर का काम हो गया, डस्टिंग सफाई वगैरह सब हो चुकी है। और बस अभी 10 बजे हैं, अब मैं सोची थी कपड़े वॉश करूं, बट पति देव मुझे मना कर रहे हैं क्योंकि ऊपर टेरेस पर बहुत तेज धूप है, अभी तो शाम के टाइम वॉश करूंगी। और गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी है, अभी एसी ऑन करके बैठे ना तब जाकर थोड़ी राहत मिली है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बाल सुबह से इतने ज़्यादा गीले हैं। और अभी साहब दोबारा लेकर आए आधा आधा कप चाय बनाकर। तो चलिए गाइस चाय फिनिश करते हैं, इस ब्लॉग का एंड में ये पे करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।